आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन का नवा मैच गुरुवार को जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में खेला गया। मैच राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के मध्य हुआ, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 12 रनों से शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। ऐसे में अब जैसे ही गुरुवार को मैच होने के बाद शुक्रवार को सरकार ने आरसीए की कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी आरसीए में प्रदेश में सरकार बदलते ही बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं। राजस्थान सरकार ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में हुई भारी अनियमितताओं के बाद मौजूदा कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। सहकारिता रजिस्ट्रार अर्चना सिंह ने गुरुवार देर रात मौजूदा कार्य करने के भंग के साथ ही एडहॉक कमेटी का गठन भी किया है, जिसमें बीजेपी विधायक और श्री गंगानगर जिला क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष जयदीप बिहानी को संयोजक बनाया है, जबकि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह पाली, जिला क्रिकेट संघ के सचिव धर्मवीर सिंह, झुंझुनू जिला क्रिकेट संघ के सचिव हरीश चंद्र सिंह, बीकानेर जिला क्रिकेट संघ के सचिव रतन सिंह और अलवर जिला क्रिकेट संघ के सचिव पवन गोयल को कमेटी का सदस्य बनाया गया है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की मौजूदा कार्यकारिणी को भंग करने के बाद अब चुनाव प्रक्रिया पर भी रोक लगाई गई है। ऐसे में अब आरसीए की 5 सदस्य हेड हॉक कमेटी की देखरेख में लोकसभा चुनाव के बाद 3 महीनों के भीतर ही आरसीए कार्यकारिणी के चुनाव आयोजित करवाए जाएंगे, जिसमें अध्यक्ष समेत सभी 6 पदों पर प्रत्याशी चुनाव लड़ सकेंगे। बीजेपी खेल प्रकोष्ठ के संयोजक और दौसा क्रिकेट संघ के सचिव बृज किशोर उपाध्याय ने कहा कि सरकार ने मौजूदा कार्यकारिणी को भंग कर राजस्थान क्रिकेट में चल रही लूटपाट और तानाशाही को समाप्त कर दिया है। पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में जमकर भ्रष्टाचार हुआ था, जिसमें अध्यक्ष सचिव समेत दूसरे पदाधिकारी भी शामिल थे। अब उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच होगी, तभी राजस्थान के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को न्याय मिल सकेगा। दरअसल खेल परिषद ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं और नियमों की अवहेलना को लेकर 22 फरवरी के दिन कार्रवाई करते हुए आरसीए ऑफिस को सील कर दिया था। इसके बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से 29 फरवरी, 4 मार्च, 12 मार्च और 19 मार्च को सहकारिता विभाग में अपना पक्ष भी रखा था। इस दौरान आरसीए के पदाधिकारियों ने ऑफिस सील होने की वजह से दस्तावेज जमा नहीं करवाए थे। इस पर जांच अधिकारी ने नाराजगी जाहिर की और 28 मार्च तक आरसीए पदाधिकारियों को अपना पक्ष रखने का अंतिम मौका दिया था। वहीं दूसरी ओर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा सहकारिता विभाग को ऑफिस सील होने का हवाला देकर आरसीए के दस्तावेजों का रिकॉर्ड नहीं होने का दावा किया जा रहा है, बावजूद इसके आरसीए द्वारा चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके बाद दौसा, चूरू समेत जिला संघों के पदाधिकारियों ने मुख्य चुनाव अधिकारी सुनील अरोड़ा से मिल शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन चुनाव प्रक्रिया में बदलाव नहीं हुआ। सहकारिता विभाग द्वारा 5 मुद्दों पर जांच की गई है, जिनमें राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा राजस्थान क्रीड़ा अधिनियम 2005 की धारा 17, 18 और 19 के अनुसार क्या पिछले सालों में आरसीए के दस्तावेजों की जानकारी और रिकॉर्ड क्रीड़ा परिषद को दिए गए थे, अगर ऐसा नहीं हुआ था तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन क्रीड़ा अधिनियम अध्याय 8 की धारा 29 को निभाने में क्या सफल रहा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिला क्रिकेट संघों को क्रीड़ा अधिनियम की धारा 30 के तहत नियमानुसार काम करने दिया जाए, अगर ऐसा नहीं करने दिया गया तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा अपनी वित्तीय देनदारी को पूरा नहीं किया गया, जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान तो हुआ ही, साथ ही कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। इसके साथ ही राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने खेल परिषद से हुए एमओयू के अधीन होने वाली खेल गतिविधियों, प्रतियोगिताओं और मैच की जानकारी सही वक्त पर सरकार और खेल परिषद को उपलब्ध नहीं करवाई गई। इस अवहेलना या लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित वार्षिक साधारण सभा यानी जनरल बॉडी मीटिंग AGM के मेंट्स राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद को भेजे गए थे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस अवहेलना के लिए कौन जिम्मेदार है। आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी सरकार के गठन के बाद से ही राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में सियासी उठापटक का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले महीने यानी 22 फरवरी के दिन राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और खेल परिषद के बीच MOU खत्म हो गया है। इसके बाद खेल परिषद ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर को सील कर कब्जे में ले लिया था। इसके बाद तत्कालीन अध्यक्ष वैभव गहलोत के खिलाफ आरसीए की मौजूदा कार्यकारिणी और पदाधिकारियों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू कर दी थी।
जिसकी जानकारी मिलते ही 26 फरवरी के दिन वैभव गहलोत ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। वैभव के इस्तीफे के देने के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह आरसीए अध्यक्ष पद की दौड़ में आ गए थे, लेकिन 9 मार्च के दिन मौजूदा कार्यकारिणी ने धनंजय सिंह को आरसीए का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया था। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के साथ ही धनंजय ने आरसीए का परमानेंट अध्यक्ष बनने की तैयारी शुरू कर दी। 15 मार्च को आरसीए ने सिर्फ अध्यक्ष पद पर चुनाव कराने की घोषणा की, लेकिन वोटर लिस्ट में चूरू के पराक्रम सिंह और दौसा जिला क्रिकेट संघ के ब्रजकिशोर उपाध्याय का नाम ही हटा दिया। इसके बाद ब्रजकिशोर उपाध्याय ने मौजूदा कार्यकारिणी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सरकार से मौजूदा कार्यकारिणी को भंग कर आरसीए में हुए घोटाले की जांच करने की मांग की, जिसके बाद अब सरकार ने एडहॉक कमेटी का गठन कर लिया है।